गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ही कक्षा 1 के डिजी भारतम का अनुवाद कर रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कैसे डिजिटल इंडिया में जो है वृक्षों का कटान रुका और जो है सारे कार्य जो है कंप्यूटर और मोबाइल की सहायता से होने लगे। उसी के आगे का है, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, रेल यात्रा पत्रस से वायुयान यात्रा पत्रस से अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान पत्र से, रेल यात्रा का जो टिकट होता है उसकी, वायु यात्रा का जो टिकट है उसकी अनिवार्यता अद्य न अस्ति, की आवश्यकता आज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो खरीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसकी हार्ड कॉपी होती है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये देखिए, सर्वाणी पत्राणी, सभी पत्र जो है अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल में, चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने, ईमेल नाम के स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं, ईमेल नाम के स्थान पर जो है वो सुरक्षित होते हैं, यानी संदर्श्य, जिन्हें दिखाकर जो है वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहीम, जिन्हें दिखाकर के हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज ना भूयते, अनुभव नहीं होती है। चिकित्सालय में भी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रुपये खर्च नहीं होंगे, कैसे खर्च होंगे, सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमें, कार्ड द्वारा, ई बैंक के द्वारा शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों की हार्ड कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो रेल यात्रा हो, चाहे हमें हवाई यात्रा का टिकट हो, या जो है हमें कहीं पर भी पैसे देने हो, हम उसे ईमेल और ई बैंक द्वारा दे सकते हैं। पत्रों को ईमेल से सुरक्षित रखेंगे और रुपयों का लेन देन ई बैंक से होगा। वह दिन दूर नहीं है यदा जब वयम हस्ते, हमारे हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय, जब हम केवल हाथ में एक मोबाइल यंत्र लेकर के सर्वाणी कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्याम, सभी कार्य करने में समर्थ होंगे, हम हाथ में एकमात्र मोबाइल यंत्र लेकर के सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी, जब केवल ऑनलाइन हम जो है रुपयों का लेन देन कर सकेंगे। धन्यवाद।